एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्वी काले लॉक। सो गाइस, आज लेते हैं ब्लॉग में सबसे पहले गणेश जी का नाम, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं गणेश जी को पत्रिका रखने के लिए। जैसा कि आप लोगों को नहीं पता होगा बट मैं बता देती हूँ, मेरे खुद के भाई की शादी है तो हम लोग उसी तैयारी वगैरह में लगे हुए थे, थोड़ा इधर उधर जाना चालू था। सो मैं ब्लॉग भी नहीं ले पाई, ब्लॉग बहुत ज़्यादा मेरे मतलब नहीं बन पाए हैं। सो तैयारी वगैरह ऑलरेडी हम लोगों की हो चुकी, वो ब्लॉग में नहीं ले पाई। फिर पता है जहाँ भी मैं जा रही थी वहाँ पर बोल रहे थे मेरे ड्रेस रिवील नहीं करते हैं, जो हम लोगों का ड्रेस कलेक्शन होता है, तो वो वीडियोज़ में नहीं ले पाई, ना ही मैं ज्वाइन अप करूँगी। सो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है मेरे भाई की शादी का, जिसमें हम लोग रखने वाले हैं गणेश जी को पत्रिका, और हम लोग जाने वाले गणेश जी को पत्रिका रखने के लिए। सो चलो हम लोग चलते हैं गणेश जी को पत्रिका रखने के लिए। और फिर हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, शादी के ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले, तो शादी के ब्लॉग देखना ना भूले, सब लोग होंगे, बहुत ज़्यादा फन होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट मंथ को है 11 जुलाई को, यानी कि बारात वगैरह जाने वाली, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोगों को मराठी कल्चर की शादी देखने के लिए मिलेगी। आई होप सो गाइस कि आप लोग ब्लॉग कंटिन्यू देखोगे मेरे, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी आने वाले हैं, आप लोगों को मज़ा भी आएगा, डांस वगैरह देखने के लिए मिलेगा एमपी स्टाइल में। और मेरी बुआ आ चुकी है, मेरी दीदी आ चुकी है, अभी इतने ही मेहमान आए हैं, बाकी सब आएंगे 5 या 4 तारीख के अप्रॉक्स में, सब लोग आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। गाइस, आप लोग ब्लॉग को देखना, ब्लॉग लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी हम लोग चलने वाले हैं गणेश जी को पत्रिका देने के लिए। सो जय श्री गणेश, और चलिए हम लोगों के साथ पत्रिका रखने। कौन से लेना? बूंदी के उनको बूंदी चढ़ती है, चढ़ा ले ले, बेसन की ले ले। अच्छा ऊपर वाले ले ले, ले। अभी हम लोग आए हैं मंदिर, हम लोग पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ा स्टॉल पे हम लोग ले रहे हैं प्रसाद वगैरह, पत्रिका वगैरह रखेंगे भगवान को, और फिर यहाँ से चलेंगे हम लोग दूसरी जगह पे, बहुत सारी जगह पे पत्रिकाएं बांटी, महाकाल वगैरह भी जाना है। सो अभी ले लेते हैं प्रसाद और आपको करवाते हैं अंदर गणेश जी के दर्शन। फिलहाल ना हम लोगों ने पत्रिका वगैरह भी रख दी है, और गणपति जी को बोल दिया कि रिद्धि सिद्धि सन सह परिवार हमारे घर की शादी में पधारे। और दर्शन ना बहुत दिनों बाद मैंने ऐसे मंदिर में जाके करे, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा हुआ सब कुछ। पत्रिका वगैरह भी हम लोगों ने रख दी है, भीड़ बहुत कम थी सो अच्छा लगा, थोड़ा सा भीड़ कम थी, आज बुधवार को भी भीड़ कम थी, क्योंकि यहाँ चिंतामन गणेश पे ना हर समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बुधवार को तो स्पेशली रहती है। और अभी हम लोग सोच रहे थे दूसरी जगह पे भी अगर बारिश नहीं हुई पॉसिबल हुआ तो हम लोग आज ही सब जगह पत्रिका वगैरह रख देंगे, जैसे महाकाल वगैरह हुआ, वैसे और गुरु महाराज वगैरह कुछ चीज़ें, हम लोग महाकाल जाते हैं तो हम लोग गुरु महाराज के मंदिर नहीं जा सकते, सो वहाँ पर हम लोग पनीर रखेंगे, और अगर गुरुवार भी है वो दिन भी बहुत अच्छा है। सो चलो गाइस चलते हैं, अभी देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं या फिर मंदिर में पत्रिका वगैरह रखने जाते हैं। चलो हमारे साथ। सो गाइस अभी हम लोग पत्रिका देना है हम लोगों के गुरु महाराज के मंदिर, तो इसके अंदर है पत्रिका, हम लोग देने वाले गुरु महाराज को पत्रिका, कल हम लोगों ने चिंतामन को दी थी और अभी हम लोग जाने वाले यहाँ से। चलो इन लोग मतलब इनको हमने गुरु मान रखा है बहुत टाइम से, हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, और इनके काम के बिना हमारे कोई काम भी सक्सेस वगैरह नहीं होते। सो सबसे पहले चलते हैं इधर पत्रिका देते और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, पता आप लोग दर्शन भी करना, आपको दर्शन करके इतना अच्छा लगेगा, आप लोगों को चले जाएगा, सच में आपने रियल में दर्शन करें, मतलब यहाँ पे आके ना मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, जब तक यहाँ नहीं आती उज्जैन आऊँ, यहाँ नहीं जाऊँ, महाकाल नहीं जाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो गाइस मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाने वाली हूँ, सो चलो। I've been driving this train. Yeah.
is in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't. सो गाइज, यहाँ के दर्शन हम लोगों के हो गए गुरु महाराज के। आई होप सो कि आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए होंगे। और फिलहाल आ रही है यहाँ पे बारिश, भयंकर बारिश। तो अभी हम लोगों को जाना है मार्केट, सो चलते हैं मार्केट। मार्केट से थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी क्योंकि सामान रह गया है। शादी नज़दीक ही है, आज 27 तारीख हो गई है और शादी हम लोगों की 7 तारीख से शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइस, तैयारियां वगैरह करना बाकी है, पानी वगैरह तो आता रहेगा। चलो चलते हैं मार्केट और आपको भी उज्जैन का मार्केट दिखाते हैं। हाय, अभी हम लोग आए थे ये टीका लेने के लिए मेरे भाई के लिए। ये टीका रहता है ना दूल्हे को लगाते, तो ये रहता है। ये लेंगे और कटार लेंगे छोटी वाली। तो कटार तो भैया ने बोला है कि वो हमें मिलेगी मेन गोपाल मंदिर पे। सो ये हम लोगों ने ले लिया है, बारिश हो रही है थोड़ी सी, तो अभी देखते हैं हम लोग रुकेंगे आराम से कहीं या फिर शॉपिंग करते हैं। तो चलो कंटिन्यू शॉपिंग करते हैं। सो गाइज, अभी तो आ गई है बहुत तेज़ बारिश और हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। ये देखो पीछे पूरा मार्केट है और यहाँ पर हम दुकान के साइड में खड़े हुए। हम भैया की दुकान से तो निकल गए बट हमें मिली वहाँ पे बारिश। सो हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ा सा वेट करते हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग हैं गोपाल मंदिर पे, उज्जैन का जो मेन मार्केट है सिटी का। वहाँ पर बारिश में भी लोग नहीं रुक रहे गाइस, बारिश में भी मस्त शॉपिंग कर रहे हैं। शादी का सीज़न है ना, देखते हैं बारिश कितनी देर में रुकती है, फिर आगे की शॉपिंग हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज है ब्लॉग का डे 3। ब्लॉग तो कंटिन्यू एक ही दिन में आएगा बट हम लोग अलग अलग दिन पे अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गए थे चिंतामन गणेश, सेकंड हम लोग गए थे गुरु महाराज के, और थर्ड अभी हम लोग जाने वाले हैं महाकाल के दरबार में। तो आज आप लोग करने वाले हैं वो महाकाल के दर्शन। सो चलो चलते दर्शन करने के लिए। इन दिन से ना उज्जैन में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस बारिश है, मतलब हम लोगों का बाहर निकलना हो रहा है और बारिश आ रही, क्योंकि बारिश का कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है सुबह का या शाम का, कभी भी बारिश आ रही है यहाँ पे दो दो तीन तीन घंटे के गैप में। सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग गणपति जी की भी पत्रिका रखने गए थे, उस दिन भी पानी आ गया, हम लोग महाकाल नहीं गए। सो हम लोगों को क्या पता है कैसा होता है, अगर हम लोग गुरु महाराज के जाते हैं तो हम लोग महाकाल के नहीं जा सकते हैं। इस रीजन से हम लोग एक दिन में सारे दर्शन नहीं कर पा रहे या सारी पत्रिकाएं नहीं रख पा रहे हैं। सो आज हम लोग जाने वाले हैं महाकाल के दरबार में। सो चलो चलते हैं। जय श्री महाकाल। सो गाइज, हम लोग तो ना उज्जैन के गेट से आए, उज्जैन वालों के लिए एक अलग से गेट है, उससे हम लोग आए तो हम लोगों के जल्दी दर्शन हो गए। अगर हम लोग ना नॉर्मल दर्शन में रखते ना, जो भी बाहर वालों के लिए कर रखा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी हम लोगों को दर्शन अच्छे से हो गए, हम लोग जाने वाले हैं घर, पत्रिका वगैरह भी लगते हैं महाकाल जी को। और वो दिया है कि महाकाल बाबा को शादी की जगह आना है, काम संभालना है आगे। तो चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट का भी काम करेंगे, तो बारिश वगैरह आ गई थी। तो चलो आज दिन में आपको हम लोग उज्जैन का मार्केट दिखाएंगे। चलो veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shit. तो
सब प्रकार के पेटीकोट मिलते हैं यहाँ पे। मैं अधिकतर मैं हेल्थ ही पेटीकोट लेकर जाती हूँ, मतलब जो कलर नहीं भी अवेलेबल होता ना वो भी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये शॉप है गोपाल गंज में, ये देखो इधर गली से अंदर से आना, सिटी गेट के अंदर से गली ये यहाँ पर आना। इसमें साटन का कलर आ गया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। मैं पूछ रही हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला साटन साटन लेना, मैच हो जाएगा ना, अलग अलग तो नहीं जाएगा ना, इसीलिए तो लगा के दिखाया तो सेम तो मैचिंग है। कितने का है? 120 रुपए। काम करो ना अंकल जी, कौन सी कंपनी का है? ठीक है दे दो ये। Thank you.